मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक माई हस्बैंड हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हसन, दिस इज़ अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज़ ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन की है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है, ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर, इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है, आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव अ मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हुज़ टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात यह है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद उमा खान, हु इज द सिस्टर ऑफ उज़्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर, हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वुमेन, देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी एक्शन लेता। आई जस्ट वॉन्ट